हेलो गाइज एंड वेलकम टू माई चैनल. सो दिस इज़ माई फर्स्ट व्लॉग. येस फर्स्ट व्लॉग लाइक फाइनली आफ्टर 6 ईयर्स. 6 साल से इंस्टाग्राम पे रहने के बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि व्लॉगिंग शुरू कर लेना चाहिए. एंड ये पर्टिकुलर जो ट्रिप है दिस इज़ कम्प्लीटली अनप्लान. ट्रिप भी अनप्लान है, मेरा जो व्लॉगिंग करना है वो भी अनप्लान है. सब कुछ मैंने 3 दिन पहले ही डिसाइड किया है. सो बेसिकली मैं ट्रिप के बारे में एक ओवरव्यू दे देती हूँ. हम जो है हम कर रहे हैं स्पीति राइड. सो वील बी डूइंग द एंटायर सर्किट एंड सिंस दिस इज़ कम्प्लीटली अनप्लान, मुझे जो है बाइक अरेंज करने का टाइम नहीं मिला. सो मैंने यहाँ पे जो है रेंटल बाइक मैं लेने वाली हूँ एंड जो राइड है मैं वो करने वाली हूँ. सो अभी जो है हम लोग हमारे बाइक्स निकाल रहे हैं. मनाली पहुँच चुकी हूँ मैं, करेंटली आई एम इन मनाली एंड यहाँ से हम जो है बाइक रेंटल जो बाइक है वो पिक करने जा रहे हैं. बाइक वाइक चेक करेंगे एंड कल जो है अर्ली मॉर्निंग विल बी स्टार्टिंग अ राइड. सो आई जस्ट इंट्रोड्यूस कौन कौन हमारे साथ राइड कर रहा है. सो द फर्स्ट पर्सन इज चेरी, ही इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड ही ब्लॉग्स इन तमिल. हाय चेरी. सो हाय गाइस, वेलकम टू अवर न्यू चैनल. डू सपोर्ट हर. मैं तो कब से बोल रहा था इसको चैनल खोलने के लिए, अभी शुरू किया. Actually, पहले एक किया थे बट वो तो तेलुगु में किया था एंड इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन चैनल. उसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ इंट्रोडक्शन वीडियो डाला एंड देयर वाज नो व्लॉग. सो दिस इज लाइक माय फर्स्ट व्लॉग. व्लॉगिंग कर रही है, अच्छे से व्लॉग कर रही है. इतने सारे लोगों के साथ घूम घूम के JS पाजी, MSK, राइड विद राज, चेरी व्लॉग्स, मतलब सारे फ्रेंड्स हैं मेरे ऑल ओवर इंडिया. मैंने उनको देख देख के जो है मैंने खाली ऑब्जर्व किया बट कभी सोचा नहीं कि आई विल स्टार्ट व्लॉगिंग. तो मे भी इनको सबको जो है इनके सारे सपोर्ट के वजह से और इनको सब देख के मैं सीख गई हूँ कि कैसे बोलना चाहिए. एंड इतना इंस्पिरेशनल पर्सन है ना वो, मीन्स लोगों का मोटिवेट कर सकती है ऐसा ब्लॉग्स बना के. उसके लिए तो मैं भी प्रेशर डाल रहा था कि दैट चैनल खोल. ये तो 2 साल से प्रेशर डाल रहा है मेरे पे बट कभी मैंने चालू नहीं किया. ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल. ओके, अच्छे से कर ब्लॉग, सब कर ब्लॉग, मीन्स ब्लॉगर बन जा पूरे तरफ से. और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से ना अभी यूट्यूब ब्लॉगर बन जा. हैशटैग इंस्टाग्रामर जैसे एमएसके मुझे बोलता है, हैशटैग यूट्यूबर बन जा. ओके, आई विल ट्राई माय बेस्ट, आई विल डू माय बेस्ट एंड आई विल बी राइडिंग माय 250 GS ऑनेस्टली. सो द सेकंड पर्सन विद मी इज अतीत, ही इज फ्रॉम बैंगलोर एंड ही इज राइडिंग द हिमालयन. तो हम दोनों जो है हिमालयन पे रहेंगे और ये GS 1250 पे रहेगा. So Atit, अपने बारे में बताना, from how many years you are riding? What time? 10 साल से ज़्यादा. More than that, I mean like, since I started riding bike, it has been about 20 years at least. So I'm Atit. I'm from Bangalore. So Pratiksha is a good friend of mine, and I organize tours in Himalayas, mainly for Ladakh, Spiti and Srinagar. So yeah, hit me up anytime you need. We have reached Bikers Point Manali. यहाँ से मैं जो है अपना बाइक लेने वाली हूँ और मेरा जो बाइक है वो रेडी है. सो दिस इज द बाइक विच आई विल बी राइडिंग. इनको जो है मैंने मुंबई से ही इन्फॉर्म कर दिया था कि मुझे बाइक चाहिए एंड इन्होंने लाइक ही सो स्वीट कि मुझे बिना कुछ पूछे बिना कुछ डिपॉजिट लिए मेरा बाइक जो है उन्होंने रेडी रखा एंड उन्होंने बोला बस तू आ जा डायरेक्टली मेरे शॉप पर आ जा एंड बाइक उठा लेना एंड मैं बस उनसे इंट्रोड्यूस करा देती हूँ. सो इन्होंने मेरा जो बाइक है कल से ही रेडी रखा था. थैंक यू सो मच. कल से इंतजार कर रहा हूँ, कल से प्रतीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं. दो दिन का रेंट एक्स्ट्रा पड़ेगा ऐसा. तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे बिना मिले ही आपने खाली एक कॉल पे मेरे लिए बाइक मेरे लिए रेडी रखा था. थैंक यू. नहीं बाकी लोग मतलब इतना भरोसा नहीं करते आपने, मतलब मुझे एक बार. और वो भी नया बाइक है वो. हाँ इट्स अ न्यू बाइक, अब BS6 आप दे रहे हो मुझे. BS6 22 मॉडल. या सामान सब सेट किया जा रहा है. चेरी का जो बाइक है वो रेडी है एंड अतीत अपना बैग जो है वो लगा रहा है एंड मेरा भी एक ही बैग है, जस्ट वन बैग एंड जस्ट वी आर ऑल सेट टू राइड. सो प्लान ऐसा था कि सुबह के 6 बजे तक सब सैडल एंड ऑल करके हम निकल जाएंगे बट थोड़ा लेट हो गया. अभी टाइम हुआ है 6:45 एंड होपफुली वी विल लीव बाय 7ish एंड आज का जो रूट है सो जो है हम ले रहे हैं विल बी ट्रैवलिंग फ्रॉम मनाली टू
चंद्रताल लेक विच इज अराउंड 140 किलोमीटर्स यहाँ से। एंड जो हमारा जो फर्स्ट ब्रेक रहेगा वो हमने प्लान किया है कि अटल टनल क्रॉस करके जो है हम हमारा फर्स्ट ब्रेक रहेंगे विच इज अराउंड लाइक 50-60 किलोमीटर्स यहाँ से। सो लेट्स डू दिस। बस कल एक प्रॉब्लम हो गई थी, एक छोटा सा जो है मेरे को कट आ गया था, तो जो है ये मुझे राइड पे दिक्कत दे सकती है क्योंकि कट जो है थोड़ा डीप है एंड आज का जो टेरेन है फुल ऑफ रोडिंग वाला है, लाइक 30% टारमैक है एंड लाइक मैक्सिमम जो है वो ऑफ रोडिंग होने वाला है। सो देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। अच्छे से पट्टा वट्टा तो लगा दिया है बट स्टिल थोड़ा ब्लीडिंग तो थोड़ा थोड़ा आ ही रहा था। ओके गणपति बप्पा हो रही हूँ। ओ ओके ये लोग इधर ही है। तो जो लोग मुझे जानते नहीं हैं और जो मेरा जो चैनल है या मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा मेरा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। सो मैंने 2016 में जो है रेसिंग से स्टार्ट किया था अपना करियर एंड 2 साल मैंने सर्किट रेसिंग किया एंड फिर उसको छोड़ के जो है तभी मैं एक्चुअली इंजीनियरिंग कर रही थी, मैं अपना 3rd या 4th ईयर इंजीनियरिंग कर रही थी तभी साइड बाय साइड रेसिंग भी करती थी तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो मैंने उसको स्टॉप किया। एंड जैसे मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ आई स्टार्टेड गोइंग फॉर राइड एंड मेरा जो फर्स्ट राइड था वो सीधा मैंने लद्दाख किया था इन 2019। मैंने हिमालयन ओडिसी किया था विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय रॉयल एनफील्ड। सो या तो ये मेरा जो है ये पहली बार नहीं है पहाड़ों में। आई मेक श्योर कि एवरी ईयर जो है कम से कम एक बार जो है मैं पहाड़ पे आ जाऊँ, बी इट लद्दाख और स्पीति। और ये जो स्पीति का राइड है दिस इज़ माई सेकेंड टाइम। अभी लास्ट ईयर ही 2021 अक्टूबर में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आई कंप्लीटेड माई स्पीति राइड ऑन अ ईवी। यस यू गाइस हियर इट राइट। मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो है 2-व्हीलर TVS iQube उस पे जो है मैंने स्पीति राइड किया था एंड ऑल्सो आई एम द फर्स्ट पर्सन टू राइड अ ईवी व्हीकल ऑन दैट टेरेन। तो ये लाइक अराउंड 7-7 महीने पहले की बात है एंड आज जो है हम मैं आ चुकी हूँ फिर से यहाँ पे बट आई एम राइडिंग ऑन अ हिमालयन। एंड एडवेंचर बाइक्स मैं अगर मैं बोलूँ तो हिमालयन जो है वो मेरा लाइक आई प्रिफर राइडिंग हिमालयन बाइक क्योंकि लाइक इट्स वेरी हैंडी। जब आप पहाड़ों पे राइड करते हो तो ये वाला जो बाइक है काफ़ी हैंडी होता है, पावर जो है जितना पावर रहना चाहिए एक बाइक में पहाड़ चढ़ाने के लिए, तो ये सारी रिक्वायरमेंट जो है पूरी कर लेता है। ऑल्सो मैंने ये बाइक क्यों लिया रेंट पे? मेरे पास जो है एक्चुअली एक स्पोर्ट्स बाइक है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं रेसिंग से मैंने स्टार्ट किया तो आई एम मोर टूवर्ड्स अ स्पोर्ट्स बाइक, लाइक आई एम मोर ऑफ अ स्पोर्ट्स बाइक पर्सन। तो मेरा जो खुद का बाइक है वो है निंजा 300 जो अच्छे से जो है मुंबई में पार्क्ड है एंड जो भी राइड्स में मैं यूज़ करती हूँ या तो मोस्ट प्रोबेबली जो रहता है वो कंपनी के बाइक्स रहते हैं या तो जैसे आज मैंने जो है ये बाइक रेंट पे लिया है। ये मतलब मुझे जो है ये ज़्यादा ईजी लगता है कि रेंट पे ले लो एंड राइड कर लो एंड देन रिटर्न दे दो, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट वांसपोर्ट का जो झंझट है फिर वो भी नहीं रहता जब आप रेंटेड बाइक्स लेते हो। टारमैक का जो मज़ा है वो कुछ ही समय तक रहने वाला है क्योंकि जो टेरेन है जैसे मैंने बताया कि मैंने ऑलरेडी ये रूट किया हुआ है तो मुझे पता है कि हमारे जो है बैंड बजने वाली है। तो
थोड़ा जो टारमैक एंड कर्व्स का है वो मज़ा लिया जा रहा है। पकड़ने के टाइम ये मुझे दिक्कत तो दे रही है, मतलब मुझे बार बार याद दिला रही है कि हाँ मैं हूँ, मतलब ये जो कट जो है बहुत पेन हो रहा है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा जो है पीछे से पकड़ूँ, क्योंकि नॉर्मली मैं अपने ऐसे फिंगर्स यूज़ करती हूँ एंड कट बराबर यहाँ पे है, सो ये जो फिंगर के टिप्स है मैं वो यूज़ करती हूँ। बट अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा जो है आप पीछे से पकड़ूँ, बट फिर भी थोड़ा पेन हो ही रहा है। बस 1 किलोमीटर बच गया है फॉर अटल टनल। लास्ट 1 किलोमीटर टू गो। Here is our tunnel. Okay, where is Cherry? वो रहा। Okay, ये रहा Cherry, हाँ? नहीं नहीं, क्रॉस करके रुकेंगे ना, क्या फायदा ही नहीं ना कुछ रुक के। So, hi. क्या हुआ? नहीं 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 है, नहीं है, किसी पास भी नहीं है। ही इज आस्किंग फॉर एक्स्ट्रा पेट्रोल। नो, वी आर नॉट कैरिंग एनीथिंग। ओके, एंड हियर वी एंटर अटल टनल। वो एक बार टनल क्रॉस होने के बाद एक छोटा सा हॉल्ट लेंगे एंड थोड़ा बहुत रील्स बना लेंगे, ड्रोन शॉट्स लेंगे एंड देन वील प्रोसीड टू द मेन पार्ट, जो हमारा ऑफ रोडिंग वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट। अटल टनल बनने के बाद जो है रोहतांग पास स्किप हो जाता है एंड काफ़ी टाइम बच जाता है, बट जो थ्रिल और एडवेंचर जो रोहतांग पास में मिलता है वो मिस हो जाता है। बस बाकी टाइम बहुत ही ज़्यादा सेविंग है जब आप अटल टनल लेते हो तब। ओके, वहाँ पे क्यों जा रहा है? वो साइड जाता ना, बेटर कि थोड़ा दूर जाके रुका जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट रुके हुए हैं। फ़ोटो लेना है बट वहाँ से भी फ़ोटो आ जाएगा राइट हियर। मैंने जब स्कूटी पे किया था तभी भी एक फ़ोटो है मेरा ये ब्रिज से, एंड यहाँ से जो है हमें अटल टनल वाला फ़ोटो एक मिल जाएगा।